गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव बुधवार को जवाहर नवोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने उपायुक्त को विद्यालय के सभी जगहों पर घुमा घुमा कर दिखाया। इस दौरान उपायुक्त ने शिक्षकों को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई से लेकर खेलकूद, भोजन समेत सभी सुविधाएं भरपूर मिलनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उपायुक्त ने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि विद्यालय में सोलर सिस्टम को डेवलप किया जाए, जिससे बिजली की आपूर्ति भरपूर मिल सके। विद्यालय परिसर में लगे फूल फुलवारी को देखकर उपायुक्त ने सभी को मेंटेन रखने की बात भी कही है, ताकि बच्चों को पढ़ाई का अच्छा माहौल मिल सके। गुमला जिला का सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान है, इसे और बेहतर बनाना है। खेल टीचर से जानकारी लेते हुए खेल की सामग्री के संबंध में पूछा, जिस पर टीचर ने सभी सामग्री उपलब्ध होने की बात कही। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाएं। विद्यालय परिसर में लाइटिंग की व्यवस्था करने का निर्देश भी अपने कर्मी को दिया। विद्यालय निरीक्षण के उपरांत मसरिया डैम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान डैम के बीच से गुजरने वाले रास्ते के दोनों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। हमारे पूरे जिले के सबसे बेहतरीन स्कूलों में जवाहर नवोदय विद्यालय भी आता है, और ये जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर अवस्थित, करीब 30-35 किलोमीटर दूर ये अवस्थित है। डैम के किनारे बसा हुआ है, बहुत बेहतरीन और सुंदर स्कूल है। अच्छी पढ़ाई की यहाँ जो है वो क्वालिटी है, 100% बच्चे यहाँ पास हो रहे हैं। एवरेज भी यहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 70% से अधिक ही मार्क्स वो ला रहे हैं। तो इसके लिए एक इन्वायरमेंट यहाँ बनाया गया है, जो देखने से ये लग रहा है कि उसको अच्छा मेंटेन भी किया जा रहा है, और कुछ अगर उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उस पर हम लोग चर्चा करते हुए आवश्यक डिसीजन लेंगे और उसको जल्दी ही शुरुआत कराएंगे। उनको सौंपा गया था, सुरक्षा पे कई सवाल उठ रहे थे सर, इसे रिसेंटली हम समझ गए उस बात को, लेकिन एक घटना से ओवरऑल जो स्कूल के जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। वो पार्टिकुलर इंसिडेंस पर क्या डिसीजन लेना है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चर्चा करते हुए सुधार ले आएंगे। अगर मान ली कि लाइटिंग की सुविधा है तो लाइटिंग सुधारेंगे, किसी जगह से ऐसा है जहाँ से निकलने भागने की गुंजाइश है तो उसमें भी सुधार लाएंगे, लेकिन उस पर ये जनरल स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते हैं कि सुरक्षा में कोई चूक है। सुरक्षा ठीक थी, आगे भी रहेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।